हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त माही सर। दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो दिया था, उसके बाद मैंने काफ़ी थोड़ा गैप दे दिया था, बिकॉज़ मैं कोई काम से बहुत ज़्यादा मतलब एंगेज्ड हो गया था, बिजी हो गया था, तो मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। दोस्तों, जो इंग्लिश है, लर्न इंग्लिश विथ माही सर, ये जो इंग्लिश के जो आपको सेशन देने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। जो अपना अभी टॉपिक चल रहा है वो अपना टाइम एंड टेंस। वैसे कहने को सब कहते हैं कि मुझे टेंस आता है, बट टेंस आता है, क्योंकि टेंस में काफ़ी सारे लफड़े हैं। तो बता देता हूँ कि जो आपका टेंस है, जो मैंने इससे पहले सेशन दिया है, वो सेशन एक बार देख लेना। देखने के बाद उसमें जो चीज़ बताई थी, उस चीज़ को देखने के बाद आप इस चीज़ को देखना। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस पर, इस टेंस को ढंग से देखेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के आपके ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, या इंग्लिश के में ऐसे कौन कौन से एडवर्बियल्स आते हैं, ऐसा कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका ये आएगा कि जो आपका क्वेश्चन दिया होगा उसमें या तो पूछेगा फिल इन द ब्लैंक सही है या नहीं है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वर्ब का, या आपसे पूछा जा सकता है कि सेंटेंस को एक दे दिया, उसमें कोई मिस्टेक डाल दी और सेंटेंस के चार टुकड़े कर दिया और पूछ लिया किस पार्ट में एरर है। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या आपको चार सेंटेंस दे दिए, चार में से पूछ लिया कि कौन से सेंटेंस में एरर है, मिस्टेक है, या चार गलत दे करके एक सही दे देगा, बोल देगा कि कौन सा सही है। तो उसके लिए आपको सारा दिमाग खपाना पड़ेगा, सारे टेंसेज के रूल्स याद करने पड़ेंगे। टेंस के 29 के आसपास कुछ रूल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो मैं आपको इसी सेशन में या अगले सेशन में ज़रूर दूंगा। मैं आपको सारे टेंसेज के एक बार ऊपर से क्लारिफिकेशन होने के बाद मैं आपको दोस्तों वो चीज़ दूंगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसे ही आपके माइंड में आया, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या उसके साथ एस और यस। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस और यस आएगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें सिर्फ वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये सिर्फ ध्यान रखना है, याद रखना है। दूसरी बात, यदि आपके सेंटेंस में अगर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ, अगर उस क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर नेगेटिव यानी कि नॉट वाला ऑप्शन है, नेगेटिव है, तो उसमें ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल का जो अगर ऑप्शन होगा तो उसमें डू या डज के बाद नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। एक बात कान खोल के सुन लेना, जिस सेंटेंस में डू और डज आ जाता है उस सेंटेंस में वापस वर्ब के साथ में एस और ईएस नहीं आता है। वर्ब के साथ एस और ईएस सिर्फ उसी कंडीशन में आता है जिस कंडीशन के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस होता है। समझ में आ गई बात, पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस तब आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और सेंटेंस पॉजिटिव होगा और टेंस प्रेजेंट सिंपल होगा। इतना याद कर दिया, इतना याद होने से आपके जो ऑप्शन आएंगे उसमें आपको मिल जाएगा, ऑप्शन आपको इसमें से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे सब बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात ये आती है कि जितने भी ऐसे टेंसेज हैं, 12 टेंस हैं, सभी टेंसेज के कोई ना कोई एडवर्बियल्स दिया होगा, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं ऐसा हिंट दिया होगा जिससे आपको ऑप्शन ढूंढने में मदद मिलेगी, पता चलेगा कि किस टेंस का ऑप्शन सही होगा। ऐसा कोई ना कोई आपको हिंट दिया होगा। जैसे टेंस का मतलब होता है टाइम से, तो कुछ आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगी जिसे हम एडवर्बियल्स कहते हैं। तो बहुत सारी एडवर्बियल्स है, जितनी एडवर्बियल्स मैं आपको दे रहा हूँ ऐसी इतनी एडवर्बियल्स एक साथ आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी और ना ही कोई दूसरा टीचर आपको बताएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, डेली, ओफन, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, समटाइम्स, रेयरली, रेगुलरली, नॉर्मली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, एवरी प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर इनमें से, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर इनमें से कोई भी वर्ड मिलता है इनमें से, तो समझ लेना प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। दूसरी बात, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया राम ऑलवेज फूड, अगर इसके ये क्वेश्चन दे दिया और इसका ऑप्शन आपको दे डाला, अगर ईट, क्या ऑप्शन डाला आपको, एक तो डाला ईट, एक आपको डाल दिया ईट्स,
एक डाल दिया इज इटिंग, तो सही क्या होगा, सही ये होगा, तो ऑलवेज आ रखा है तो टेंस हो गया प्रेजेंट, ऑलवेज इसमें पढ़ा देखो ये रहा, ये ऑलवेज है तो प्रेजेंट सिंपल सही हुआ, प्रेजेंट सिंपल सही। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर और इसमें नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा, तो होगा राम ऑलवेज ईट्स फूड। मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा सारे टेंस होने के बाद, लेकिन अभी आपको ध्यान ही रखना कि ये सारे वर्ड्स याद करने हैं, अगर ये जिस वर्ड में आएंगे, जिस सेंटेंस में आएंगे, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल का होगा। अगर ऑप्शन पॉजिटिव के हैं तो पॉजिटिव वाला ऑप्शन सही करो, अगर ऑप्शन में पॉजिटिव वाले नहीं है, नेगेटिव वाले ऑप्शन है, डूडज वाला ऑप्शन है, तो डूडज वाला सही होगा, लेकिन होगा प्रेजेंट सिंपल कन्फर्म है। जैसे क्वेश्चन आ गया ये पे आपके, दे स्पीक इंग्लिश इन द मॉर्निंग। अब आपसे कोई पूछे यहाँ कोष्टक के अंदर यहाँ स्पीक लिखा हुआ है, इस स्पीक की सही फॉर्म क्या आएगी, तो देखो इन द मॉर्निंग प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, तो दे प्लूरल है, तो यहाँ आएगा स्पीक का स्पीक आएगा, सिर्फ प्लूरल में पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ में आ गई बात मेरी, ये आपको बेसिक चीज़ पहले से पता होगी, कंपलसरी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रेजेंट सिंपल सबसे ज़्यादा यूज है, प्रेजेंट सिंपल। अगर आपको किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है या मैथमेटिकल फैक्ट है या टेम्परामेंट है या परमानेंट एक्शंस या एक्टिविटी है या हैबिचुअल फैक्ट है या मार्केट प्राइस है या डेली रूटीन की बात हो रही है, अगर कोई भी सेंटेंस आप पढ़ते हैं, पढ़ने से आपको ऐसा फील होता है जैसे सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तारे रात में चमकते हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर निकालती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिनको गॉड के अलावा, भगवान के अलावा कोई माइका लाल चेंज नहीं कर सकता, वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब ऐसी चीज़ें जो साइंस कहती है। साइंस क्या कहती है, अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो पानी उबलेगा, श्योर है। अगर पानी को -4 डिग्री पे रख देंगे तो पानी जम जाएगा। साइंस ये भी कहती है, साइंस कहती है कि जो हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेने को इनहेल कहते हैं और बाहर निकालने को एक्सहेल कहते हैं। तो हम जो सांस लेते हैं तो वो साइंस कहती है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं और छोड़ते समय CO2। तो ये मैं नहीं कहता, गॉड नहीं कहते, ये साइंस कहती है। तो जितने भी मैथमेटिकल फैक्ट है, जैसे आपको बता दें कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4, तो 2 और 2 4 होती है, मैं नहीं कहता हूँ, साइंस नहीं कहती है, गॉड नहीं कहते हैं, ये कौन कहता है, मैथ्स कहती है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है, अगर कोई टेम्परामेंट की बात करें, स्वभाव की, जैसे रोज गुलाब का फूल अगर उसके हाथ लगाओगे तो हाथ में खुशबू आएगी, क्योंकि उसका नेचर है गुलाब का कि मेरे हाथ लगाओगे तो खुशबू आएगी। परमानेंट एक्शंस, हम सब कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, आँख से देखते हैं, ऐसा है नहीं कि सन 2021 के अंदर ग्राम सेवक की भर्ती तक तो हम कानों से सुनेंगे और उसके बाद हम नाक से सुनना शुरू कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये परमानेंट एक्शंस है। हैबिचुअल फैक्ट, अगर किसी के हैबिट की बात करें, जैसे मैं हमेशा दूध पीता हूँ, ये हैबिट है, तो हैबिचुअल फैक्ट। और मार्केट की रेट, जैसे आज आलू 17 रुपये किलो है, तो ये मार्केट की रेट है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस। और डेली रूटीन, अगर डेली की रूटीन की बात करें तो भी प्रेजेंट सिंपल। कुल मिला के अगर आपको सेंटेंस पढ़ने से अगर ये एहसास होता है, ये वाले शब्द, तो समझ लेना आपका प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन करेक्ट होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द स्टार साइन एट नाइट। समझ में आ रही मेरी बात? दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, रटना कुछ भी नहीं है। यदि किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, इंग्लिश में जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं उनकी हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आती है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। लाइव कमेंट्री होती है, मैच वैच देखते होंगे आप सब, तो लाइव कमेंट्री जो होती है उसको भी शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल आता है। ये भी सिर्फ लर्न करना है, बट आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ कहाँ आता है, लेकिन आपको आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर कोई कोटेशन है, जैसे लाइफ इज़ अ गेम, लाइफ इज़ अ ब्रिज,
कहते हैं ना, एक सारे कोटेशंस हैं। प्यार ही प्यार का सबसे बड़ा तोहफा है, लव इज द बेस्ट अवार्ड ऑफ लव। तो यहाँ पे क्या है, ये कोटेशंस है, तो कोटेशन को शो करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल आते हैं, लेकिन ये सिर्फ तीन चीज़ें आपको याद करनी है, क्वेश्चन आपके इसमें से नहीं आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग, अ सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ, अगर कोई भी सेंटेंस आपका ऑफ, इन, आउट, हियर और देयर से शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपके शुरुआत में आ गया हियर, H E R E, हियर स्पेस द बस, अगर ऐसा आ गया हियर स्पेस द बस, अब मेरी बात सुनो, यहाँ शुरुआत किससे हो रही है, हियर से, पीछे द बस आ रहा, बस एक ही है, हियर से शुरू हो रहा, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल आएगा, बस एक ही है। अब इसमें कम्स आएगा या इज कमिंग आएगा, तो इसमें आएगा कम्स, बिकॉज क्योंकि हियर देयर ऑफ इन आउट से अगर शुरुआत हो रही है, ऑफ इन और आउट, हियर और देयर से, तो फिक्स है प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। समझ में आ गई, जब जब इनकी स्टार्टिंग इन शब्दों से हो, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इन शब्दों से स्टार्ट हो, तो समझ लेना प्रेजेंट सिंपल आएगा, और इसमें जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू इस, जैसे ये खाली जगह इसके बाद में यहाँ कोई अगर लिखा हुआ ना ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, लेकिन आएगा प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ऑन प्लस डेज मिलता है, जैसे ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज, तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन सही होगा। जैसे वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, तो जैसे ऐसे देखो, ही टीचेज अस ऑन संडेज, ऑन मंडेज, तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको वंस या ट्वाइस या थ्राइस के बाद में ए या एन और फिर अगर टाइम मिले, तो फिक्स है प्रेजेंट सिंपल सही होगा। वंस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर, वंस अ डे, तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का ऑप्शन करेक्ट होगा। ये अपन सिर्फ अभी आपको सिर्फ रूल्स याद करने हैं, मैं सभी टेंसेस के रूल्स देने के बाद आपको टेंस की पूरी एक्सरसाइज करूँगा अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। समझ में आई बात, पेशेंस रखिए, सब बताऊंगा धीरे धीरे, सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरा कोर्स ऑनलाइन कर दूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपका इफ है, इफ वाला जो सेंटेंस आता है, ये दो क्लोज में आता है, इसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, तो इफ के जस्ट साथ में तो प्रेजेंट सिंपल आता है, तो अगले क्लोज में फ्यूचर सिंपल आता है। कभी भी फ्यूचर सिंपल इफ के जस्ट बाद वाले क्लोज में नहीं आ सकता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं कंडीशनल सेंटेंस एक बार फिर अगले वीडियो में या अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इसमें समझ लो, इफ़ के जस्ट साथ में क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल, तो अगले क्लॉज में क्या आता है, फ्यूचर सिंपल। ये जो फ्यूचर सिंपल है, ये कभी भी इफ वाले क्लॉज में नहीं आएगा, या कभी भी इफ वाले क्लॉज में फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा, फ्यूचर सिंपल अगले क्लॉज में आता है, इफ वाले क्लॉज में सिर्फ प्रेजेंट सिंपल आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ प्रेजेंट सिंपल है या फ्यूचर सिंपल, लेकिन जब दोनों की हिंदी करेंगे तो पीछे गा गी गे आएगा। जब मैं जोधपुर आऊँगा तो मैं आपसे मिलूँगा, इफ आई कम टू जोधपुर आई विल मीट यू, तो वहाँ पे देखो दोनों की हिंदी में गा गी गे आ रहा, लेकिन इंग्लिश में एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आ रहा है इफ वाले क्लॉज में, और अगले क्लॉज में फ्यूचर सिंपल आ रहा है, कन्फर्म है ये चीज़ें। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर इफ के बाद में आपको सेंटेंस में या प्रेजेंट सिंपल दे करके या कोमा दे करके आगे आपको यहाँ पे फ्यूचर सिंपल की जगह खाली छोड़ दी, तो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल आया हुआ, तो फिक्स यहाँ क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। अगर आपको ये चीज़ ना दे करिए, अगर यहाँ पे इफ दिया हुआ शुरुआत में और यहाँ पर खाली जगह छोड़ दी, और यहाँ पर लिखा हुआ है विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, और यहाँ पे फ्यूचर सिंपल की जगह खाली पड़ी है, ये फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है, तो फिक्स है यहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा, कन्फर्म है। आई होप आपको अच्छा समझ में आया, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन से आपके समझ में नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस
क्वेश्चन का डिस्कस आपका अगले सेशन में ज़रूर करूँगा। जो भी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन देंगे मुझे इंग्लिश से रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर अगले सेशन में, जो भी इसके बाद जिस सेशन में आप कमेंट कर रहे हैं उससे अगले सेशन में 101% आपको मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद साथियों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।